हेलो माय वेरी डियर सीएमए इंटरमीडिएट एज वेल एज सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, जून 24 का आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। इस वीडियो में आपको एग्जाम डेट तो पता चलेंगे, उसके साथ और थोड़ी जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो इसके साथ आए हुए हैं, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें आपको पता चलेगी इस वीडियो के अंदर। तो वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ आकाश अग्रवाल क्लासेस, दिस इज सी श्रुति अग्रवाल। एक और बार मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट ताज़ी ताज़ी अपडेट लेके आई हूँ, आप लोगों की इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन और कई सारी चीज़ें। सबसे पहले तो बात समझेंगे, आप लोगों के पेपर स्टार्ट होते हैं 11th of June को, विच इज़ गोइंग अप टू 18th of June आप लोगों के पेपर्स स्टार्ट हो रहे हैं। फाइनल का भी सेम डेट है, इंटरमीडिएट का भी सेम डेट है। ऑफ कोर्स अब सिर्फ न्यू सिलेबस के पेपर होंगे, तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ सिलेबस 2022 के लिए ही टाइम टेबल देख पा रहे हो। तो जैसे ग्रुप आप लोगों का इंटरमीडिएट का ग्रुप वन स्टार्ट होगा 11th of June को, और ग्रुप टू की अगर हम बात करेंगे तो वो स्टार्ट होगा आपका 12th of June को। लाइकवाइज फॉर फाइनल के ग्रुप्स, एंड आपके पेपर चलेंगे 18th of June तक। तो डेट आ गई है, बहुत बड़ा काउंटडाउन आ गया आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। अभी तक अगर आप सीरियसली पढ़ना चालू नहीं किए थे, अभी भी सोच रहे थे, तो यू मस्ट सी कि यू हैव द डेज लेफ्ट इन योर हैंड्स एंड यू कैन स्टार्ट ऑन काउंटिंग द डेज एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। अब एक और मुझे डाउट इसके अंदर जो क्लियर करना है, इसलिए मैं कह रही थी कि ये वीडियो का आप एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं कि मैम हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म का क्या। तो बेटा आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, रजिस्ट्रेशन अलग है। रजिस्ट्रेशन करना और एग्जामिनेशन फॉर्म भरना आर टू सेपरेट थिंग्स। इफ़ यू हैव डन रजिस्ट्रेशन अर्लियर तो भी आपको जून 24 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर आप इंटरमीडिएट का एक ग्रुप का फिल करना चाहते हो इट्स 1200, अगर आप बोथ ग्रुप के लिए फिल करना चाहते हो तो इट इज़ 2400। अगर हम बात करेंगे फाइनल की तो वन ग्रुप के लिए 1400 एंड बोथ द ग्रुप्स के लिए इट इज़ 2800। आप लोगों को ये पेमेंट ऑनलाइन ही करना होता है। स्टूडेंट कैन लॉग ऑन टू द वेबसाइट एंड अप्लाई ऑनलाइन इटसेल्फ। तो ऑनलाइन छोटा सा ऑटो जनरेट एक फॉर्म होता है, उसके अंदर बेसिक डिटेल्स आप लोगों को भरनी है, कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई करो या बोथ के लिए अप्लाई करो वो फिल इन करना है, पेमेंट करना है, दैट्स इट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे भी रेड में लिख के दी हुई है, जो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म इज 10th of April। 10th of April तक आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। बट मेरा हेड्स अप सुनो, अगर आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म एकदम 9th को भरोगे ना तो भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि काफ़ी लोग एकदम एंड में जागते हैं और उनको तभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, और वो पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, डेबिट हुआ है, कई बार मैसेज आता है एरर का। आई नो दिस फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो इट इज़ बेटर कि आप उससे मतलब 2-3 दिन का बफर तो यार कम से कम रखें, इतना एंड मोमेंट पे आप लोग पेमेंट ना करें, आप लोगों के एग्जाम का सवाल है। तो लेट्स बी लिटिल प्रोएक्टिव, एंड जैसे ही आपके पास आपके माइंड में रेडी हो जाता है कि आपको कौन सा ग्रुप देना है, आपके पास फंड्स रेडी हो जाते हैं, तो आप लोगों ने आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भर देने चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है देर विल बी नो एक्सटेंशन इन द लास्ट डेट ऑफ रिसीट। यानी कि आपको जो लास्ट डेट 10th of April दी है उसके बाद ये एक्सटेंशन नहीं होगा फॉर जून 24। तो इंस्टीट्यूट ने जब कह दिया तो कह दिया, आप लोगों को ये काम सीरियसली लेना पड़ेगा। ऑफकोर्स एग्जामिनेशन का मोड ऑफलाइन है, यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं सेंटर्स, आपके लिए आपका नियरेस्ट सेंटर कौन सा है वो देखिए, अकॉर्डिंगली आप लोगों को अप्लाई करते टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका रिस्पेक्टिव सेंटर। ऑल्सो डेट ऑफ पब्लिकेशन, आप जो जून में एग्जाम दोगे उसका टेंटेटिव रिजल्ट डेट यहाँ पे दिख रहा है 23rd of August, जबकि जो पिछला एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट डेट अराउंड फेब का दिया हुआ है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो जिन्होंने पहले एग्जाम दी हुई है फेब के आसपास रिजल्ट आएगा। अब जो एग्जाम देंगे जून में, आपके लिए टेंटेटिव
यहाँ पे रिजल्ट डेट भी दे दी है, तो इस वीडियो के अंदर आपको काफी अच्छे अच्छे टेक अवेज मिले हुए हैं। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज ऑन दिस चैनल यू आर गोइंग टू गेट एक्सक्लूसिव सीएमए कंटेंट। अगर आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हो तो टुमारो दैट इज 18th of January को आप लोगों के लिए एक मस्त ह्यूज सा अनाउंसमेंट है कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। और एक वीडियो हमारा ऑलरेडी आ चुका है टू अंडरस्टैंड कि ओल्ड से जो न्यू में जा रहे हैं उनको कितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी के हमारे बहुत सारे सक्सेस बैच के लेक्चर्स एंड नोट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन दिस चैनल, जो आप लोगों को बहुत मदद करेगा क्लियर करने के लिए। तो डोंट वेट, स्टार्ट योर स्टडीज नाउ। अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं की है तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर आपकी डेट समझ में आई, आप लोग ये भी ध्यान रखिए आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है और उसके लिए भी आपको लास्ट डेट है 10th, उससे पहले आपको भर के लेना है। आपको आपकी फीस भी समझ के आई है, आपको आपके सेंटर्स भी पता है और आप लोगों को आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट भी मिल गया है। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ऑल द वेरी बेस्ट। एसीज ऑलवेज विद यू एंड वी विल बी कमिंग अप विद मोर 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 वीडियोज फॉर यू ऑल। सो स्टे ट्यून, लॉट्स ऑफ लव एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा है, टाइमली मिला है, फटाफट से पता चला है, यू नो आई टेक ऑल दी एफर्ट्स कि आप लोगों को वीडियो फटाफट से पहुँचा दूँ। तो जो मैंने कर दिया है तो इस बात पर लाइक बनता है। आपको और कुछ हेल्प चाहिए, और कोई स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सो इट विल बी रीचिंग मी फॉर श्योर। डोंट वरी, कीप स्टडीइंग, ऑल द वेरी 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 बेस्ट।